अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तारीख हो गई 29 अक्टूबर और दिन हो गया है मंगल। मेरी ड्यूटी है 129 अब थल एक्सप्रेस पर, मुल्तान से कुंदिया तक गाड़ी 6:50 पे रवाना होती है। स्टेशन पर टाइम नहीं मिल सकेगा, इसलिए आज का आगाज़ घर से स्टेशन पे चलते हैं और वहीं पर मिलते हैं आपसे। आप पहुंच गए हैं स्टेशन पर और 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मौजूद है। आई थिंक ये भी कुछ देर पहले ही आई है और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी, जहाँ से ये हुआ करती है। चार पर इंटर हो रही है 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस 8038 लोकोमोटिव के साथ। सोलमदुल्ला जनाब, गाड़ी रवाना हो गई है मुल्तान कैंट से 6:50 पर राइट टाइम, और जब से टाइम तब्दील हुआ है मैं आज ये ट्रेन वर्क कर रहा हूँ। ड्राइवर है मोहम्मद रियाज और असिस्टेंट है एहतिशाम उलक का, मुल्तान शेड के आज के लिए जा रहा है। सामने मौजूद है 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और तमाम अमला बाइफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। हजारा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव चेंज होता है, 3000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव लगता है। लोकोमोटिव HBU-20 हमारे साथ में आपको दिखा नहीं सका टाइम कमी की वजह से। मुल्तान स्टेशन से निकलते ही सुबह का सूरज तुलू हो चुका है और अब हमारी गाड़ी इसी टाइम जाया करेगी 6:50 पर, जब सूरज हल्का हल्का सा तुलू हुआ करेगा और जब हम घर से निकला करेंगे तो उस वक्त अंधेरा सा हुआ करेगा। रियाज भाई राइट जनाब, मुल्तान के बाद गाड़ी पहला स्टॉप करती है शेरशाह जंक्शन पर और यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है ML2 की तरफ वाया कोट अद्दू। शेरशाह जंक्शन का रेलवे स्टेशन और ये मेन बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत है और डे के टाइम जब फुल रोशनी हो और सूरज उभर रहा हो या ग्रूब हो रहा हो उस टाइम तो बहुत अच्छी लगती है। और अभी हल्की हल्की सी कुछ फासले पर धुंध सी नज़र आ रही है, जब सर्दियां बढ़ जाएंगी तो धुंध भी बढ़ जाएगी। हमारे बाद चलेगी मुल्तान से 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस, वो इसी लाइन पर आती है लेकिन वो चली जाती है सीधी लोधरा की तरफ, शुजाबाद लोधरा भावलपुर खानपुर रहीमयार खान रोहड़ी नवाबशाह हैदराबाद कराची सिटी। जबकि हमारी ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट हो रही है 5 लाइन और आगे कोटद्दू से हिस्सा बनेगी ML2 का। कुछ फासले पर अगर आप भी देखें तो आपको ब्रिज के जो ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है उसके आसपास ऐसे महसूस हो रहा होगा जिस तरह से धुंध होती है। ये लाइन जो है ये मेन लाइन है मुल्तान और लोधरा को मिलाने वाली खानेवाल से, लेफ्ट साइड वाली दोनों अप और डाउन। 8069 HBU-20 लोकोमोटिव है और 8 कोचिस का लोड आज ट्रेन के साथ सफ़र कर रहा है।
और रोड व्हीकल के लिए भी कभी इस्तेमाल आया करता था, जबकि अब सिर्फ रेलवे लाइन के लिए मुख्तस है। 27 स्टेशन में से 4 स्टेशन वो आते हैं जिन पर गाड़ी स्टॉप नहीं करती। पहला स्टॉप नॉन स्टॉप स्टेशन आता है चिनाब वेस्ट बैंक। यहाँ पर स्पेशल ट्रेन का स्टॉप नहीं है, 2 ट्रेन चला करती हैं, एक छल और एक महर। 22 जनवरी 1887 को मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन को खोला गया रेलवे लाइन को पब्लिक के लिए, आई मीन पब्लिक के लिए और पब्लिक ट्रेन के लिए। वाह, लिखा हुआ भी ऊपर यही है सामने, 22 जनवरी 1887 को खोला गया। अरे ठीक है, येलो बिल्डिंग है स्टेशन की, 2 मिनट का ट्रेन स्टॉप करती है इस स्टेशन लाइन पर। वैसे भी तकरीबन स्टेशन पर गाड़ियां 1 से 2 मिनट स्टॉप करती हैं दोनों। चिनाब वेस्ट बैंक रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन स्टॉप नहीं करती। क्या हाल है जी एस एन साहब, सिग्नल एक्सचेंज करते हुए। छोटा सा स्टेशन है और थर्मल पावर स्टेशन यहाँ बना हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बैक साइड पे तमाम थर्मल पावर स्टेशन बने हुए हैं। एक वक्त था कि यहाँ पर ऑयल भी आया करता था, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर तक जाया करता था, लेकिन आई थिंक आजकल रेलवे के ज़रिए वो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही ऑयल की। 8:02 पर गाड़ी पहुँची हमारी बुद्ध रेलवे स्टेशन, और जहाँ पर पहले से मौजूद 8068 लोकोमोटिव के साथ 128 डाउन महर एक्सप्रेस। महर एक्सप्रेस भी रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चला करती है, लेकिन इसके रूट में थोड़ी सी तब्दीली है। महर एक्सप्रेस रावलपिंडी से गोरड़ा शरीफ और वहाँ से बसाल वाली साइड से आती है, और जबकि हमारी गाड़ी अटक सिटी से वाया बसाल होती हुई आती है, और ये रूट थोड़ा सा लंबा पड़ता है जबकि ये रूट थोड़ा सा छोटा पड़ता है। एट ज़ीरो सिक्स नाइन हमारे साथ जा रहा है जबकि 8068 यानी 2 सीरीज एक साथ मिली हैं आकर बुद्ध रेलवे स्टेशन पर। इस टाइम तो मुसाफिर जो लंबे रूट से आ रहे होते हैं रावलपिंडी वगैरह से, क्योंकि ये चलती है 5:30 PM, तो वो तो उठ जाते हैं, पता नहीं। देखते हैं चार्ज गार्ड साहब कौन है इसमें, 2 अदद स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। रियाज भाई राइट जनाब, बुध के बाद नेक्स्ट स्टॉप करती है ट्रेन महमूदकोट रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ ऑयल यार्ड बना हुआ है, तो ऑयल यार्ड की वजह से बनाया हुआ है। और सामने रेड कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो गवर्नमेंट स्कूल है, रेड ग्रीन और वाइट 3 तरह के कलर हुए हैं। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ भी खड़े हुए हैं, आगे ज़्यादा खड़े हुए हैं जो ट्रेन को देख रहे हैं, और ट्रेन देखने के बाद फिर स्कूल जाएंगे। और इन्हें तो रोज़ इस टाइम पर ये ट्रेन नज़र आती होगी, क्योंकि ये ट्रेन तकरीबन इसी टाइम जाती है और ये राइट टाइम ही होती है ट्रेन। कभी हम भी इस टाइम स्कूल जाया करते थे, क्या तीन यादें आती हैं इन बच्चों को देखकर जो के स्कूल के लिए जा रहे हैं। ड्रेस भी यूनिक है इनका, ब्लू कमीज है और ब्लैक शलवार है। देखें कुछ बच्चे चले गए और कुछ अभी तक तबसरा कर रहे हैं ट्रेन के बारे में, जब तबसरा मुकम्मल हो जाएगा तो उनकी भी स्कूल की तरफ रवानगी हो जाएगी। 9 बजे गाड़ी पहुंची हमारी कोट अद्दू जंक्शन, 6:50 पर चली थी, 2 घंटा 10 मिनट में पहुंची है गाड़ी कोट अद्दू।
85 किलोमीटर है कोट अद्दू जंक्शन मुल्तान कैंट से, और 70 किलोमीटर है शेरशाह जंक्शन से। और जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि कोट अद्दू बना हुआ है मेन लाइन पर। कोटरी से जो लाइन शुरू होती है वो सीधी 7 दादू लड़काना और हबीब कोट, हबीब कोट से जेकवाबाद, जेकवाबाद से मुड़ती है एक लाइन जो सीधी डेरा गाजी खान कश्मोर से आती हुई हिस्सा बनती है कोट अद्दू जंक्शन का। और कोट अद्दू से लेकर जिस लाइन पर हम जा रहे हैं लिया बखर, दरिया खान, कुंदियाँ, मियांवाली, दाऊद खेल, पाई खेल और बसाल, अटक सिटी तक ये ML2 लाइन है वो इसको कहा जाता है। ML2 लेडीज़ देख रही हैं कि पावर वैन के अंदर से आवाज़ आ रही है, और आज पहली बार मैंने देखा है कि हमारी ट्रेन के साथ CNR टाइप पावर प्लांट है ट्रेलिंग में। सबसे अच्छी बात यह है ड्राइवर 129 बिस्मिल्लाह राइट, रियाज भाई राइट कीजिएगा। 5 मिनट स्टॉप गाड़ी सिर्फ कोट अद्दू और लिया दो रेलवे स्टेशन पर करती है। बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल पावर प्लांट है ये वाला। 5 मिनट स्टॉप कर 9:05 पर रवाना हुई है। कोट अद्दू जंक्शन से लिखा हुआ है कि शादल नून, डेरा गाजी खान, जामपुर, राजनपुर, मिठन कोट, रोजान, कंद कोट, कश्मोर, जेकपाबाद और कोयटा के लिए लाइन बदली जा सकती है। और ये इसलिए कि जेकपाबाद से लाइन सीधा जाती है कोयटा को, जिस पर आजकल चला करती है जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस 3 या 4 डाउन। ये लेफ्ट वाली लाइन जो हमें नज़र आ रही है जाते हुए हमारी ट्रेन के साथ साथ ये जाती है जेकपाबाद जंक्शन को, और ये 427 किलोमीटर है यहाँ से जेकपाबाद तक का सफ़र। आजकल ये लाइन जब सैलाब आया था तब से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि कुछ सेक्शन बिल्कुल तबाह हो गया था जब वो सैलाब आया था। बस दुआ है कि ये सेक्शन आबाद हो जाए, क्योंकि इस पर खुशहाल खटक चला करती थी। अब उसके लिए कसीर अज़र मुबादला चाहिए जिससे ये बहाल हो, और वो इसी लाइन पर से जाया करती थी जेकपाबाद से लड़काना, दादू, 7, कोटरी और कराची। हमने उस लाइन पर कोटरी से जेकपाबाद और कोटरी से कराची कई बार वर्किंग की है। 6 महीने तक मैंने उस पैसेंजर लिंक पर ड्यूटी की है जिसमें हम लोग जेकपाबाद तक आया करते थे जब मैं कराची डिवीज़न हुआ करता था। भाई ने मुझे कहा था कैप्चर करने के लिए, तो जनाब ये आपकी रिक्वेस्ट पर कैप्चर हो गई। पहली का नाम है मुजफ्फरगढ़ और दूसरे का नाम है TP केनाल। 10:15 गाड़ी का अराइवल हुआ हमारी लिया रेलवे स्टेशन। लिया का इंग्लिश में नाम वैसे देखो कितना मुश्किल सा लगता है, LEIAH लिया। अच्छा कुछ जगहों पर LAYAH भी लिखा जाता है, लेकिन जो प्रॉपर नाम है वो यही है लिया रेलवे स्टेशन। खूबसूरत सी बाउंड्री बनाई हुई है कलरफुल रेड, येलो और ऑरेंज कलर की, और आई थिंक सॉरी ब्लू कलर की लाइन, और 126 किलोमीटर शेरशाह से, 140 किलोमीटर मुल्तान कैंट से। 3:20 में पहुंची है गाड़ी, और इतना टाइम क्यों लिया? तो जनाब ये जो ट्रेन स्टॉप करती हुई जाती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं। अब ये इस ट्रेन का हर स्टेशन पर तो स्टॉप है, अब सिर्फ 3 स्टेशन के अलावा हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो टाइम तो लगता है। खैर जनाब गाड़ी चलाते हैं अपनी, ड्राइवर 129 बिस्मिल्लाह राइट। चले जी 5 मिनट पूरे हुए, रवाना होते हैं लिया से। Thank you.
बड़े साफ का गुरु चाहिए ठीक है। बाईस जनवरी 1887 इस दिन पूरे सेक्शन के स्टेशंस 20 से 22 जनवरी 1887 के बने हुए हैं और ये तमाम इलाका पंजाब में आता है। गाड़ी पहुंची है हमारी बखर रेलवे स्टेशन। बखर रेलवे स्टेशन दरियाए सिंध के बाएं जानी बना हुआ है क्योंकि लेफ्ट साइड पर अब दरियाए सिंध सिंध साथ चले जा रहा है कुछ फासले पर तकरीबन 6-7 किलोमीटर के फासले पर चला जा रहा है। तो ये तमाम दरिया के साथ साथ चली जा रही है रेलवे लाइन। 2 मिनट का स्टॉप होता है यहाँ पर, विसल भी हो गया है। ड्राइवर 129 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम राइट। बखर भी सेक्शन के बड़े स्टेशन्स में से एक स्टेशन है। मुसाफिरों का रश अप डाउन काफ़ी ज़्यादा रहा करता है। 200 किलोमीटर है शेरशाह रेलवे स्टेशन से और 215 किलोमीटर मुल्तान कैंट से। काफ़ी पैसेंजर सफ़र करते हैं आबाई इलाकों में और रावलपिंडी और उसके आसपास भी काफ़ी पैसेंजर यहां सफ़र किया करते हैं। फिर अगला स्टॉप होगा हमारा दरिया खान रेलवे स्टेशन। 12:17 पर गाड़ी रवाना हो रही है दरिया खान रेलवे स्टेशन से और हमें एक डाउन में गुड्स ट्रेन भी खड़ी हुई नज़र आई है। कुछ कवर्ड कैसी कवर्ड वैगन्स हैं और बाकी कैसी हैं, जैसे जेड भी कैसी होता है इस तरह ये भी ओपन स्टॉक होता है, ऊपर से इसकी छत नहीं होती और ज़्यादातर रेलवे का मटेरियल ही जाता है इसमें कैसी में। मुस्तफा भाई कहाँ? इसमें घर जा रहा हूँ फरक के साथ। फरक के साथ मुस्तफा साहब इंचार्ज गार्ड हैं तो मुझे लग रहा है कल 127 लेट थी तो वो ये डाउन में जो गाड़ी जा रही है इसमें जा रहे हैं। बखर बखर में रहते हैं। भाई राइट जनाब मूव करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम राइट। मेरे आज VHF का सेट कुछ इस तरह सा है, वो कहते हैं कि आप जब राइड करते हो ना तो राइड की आवाज़ नहीं आती। आप जल्दी आ गए हो आज। अच्छा खाना है तो रक्षा वाले भाई कह रहे हैं जल्दी आया करो देर हो जाती है, गाड़ी तो बर वक्त है, लेकिन शायद वो मजाक के तौर पर कह रहे हैं। चलें जी कोई बात नहीं, कभी कभी मजाक भी चलता है। पिपला रेलवे स्टेशन से चली हमारी गाड़ी, सेकंड लार्ड स्टेशन आता है। पुणे से पहले अल्लू वाली और पुल तो छुट्टी थी गई है। वाह जनाब हम पहुंचे भी नहीं है कुंडिया और बच्चे स्कूल जाकर वापस भी आ गए क्योंकि स्कूल होता है 5 से 6 घंटे का और हमारी गाड़ी पहुंचती है 8 घंटे में। इन गाड़ियों के आपको एक ख़ास बताऊं कि इनमें जो पैसेंजर्स होते हैं वो लोकली भी ट्रेवल करने वाले होते हैं आसपास के इलाकों के। वाह तस्वीर तो अच्छी आएगी आपकी, खैरियत से ठीक है। खैर जनाब गाड़ी हमारी है राइट टाइम अभी तक, इंशाल्लाह राइट टाइम ही कुंडिया अराइवल होगा। एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गुड बाय मुल्तान डिवीजन और यहाँ लिखा हुआ है वेलकम वेलकम टू मुल्तान डिवीजन।
तो यहाँ से जनाब इस बोर्ड के बैक साइड से शुरू हो जाता है मुल्तान डिवीजन, और अब हम काफ़ी लोग हैं कुंटिया चुटिया रेलवे स्टेशन पिशावर डिवीजन की लिमिट में। गाड़ी पहुँच गई हमारी कुंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, राइट टाइम चल के राइट टाइम आ गई है गाड़ी। स्टेशन आगे की तरफ है, 130 भी आई हुई है। हमने जाना है अपने रनिंग रूम थोड़े से फासले पर है, तो इसीलिए वहाँ पर पैदल जाना पड़ता है। तो सामने ही शेड के साथ, लेकिन जैसे मोस्टली स्टेशन्स पर बने हुए होते हैं, ये स्टेशन पर नहीं है। 302 किलोमीटर है कुंडिया जंक्शन, बोर्ड भी लगा हुआ है शेरशाह जंक्शन से, और 317 किलोमीटर बनता है वैसे, लेकिन हम 320 ही काउंट करते हैं। अब 17 और 20 में क्या फ़र्क है, तो पूरा एक राउंड फिगर हो जाता है। तो भाई ये लोकोमोटिव आया था हमारे साथ 8069, ये डिटैच होकर वापस जा रहा है शेड की तरफ। शेड बिल्कुल सामने, आई थिंक ये रात को जाएगा 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस। हमारा लोकोमोटिव भी चल गया लोको शेड आराम करने के लिए, और अब हम भी चलते हैं सामने रनिंग रूम में। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। कुछ लोग कहते हैं कि यार रनिंग रूम इतना फासले पर क्यों होता है, तो जनाब ये लोको शेड है, तो लोको शेड के साथ ही रनिंग रूम बना हुआ है, ताकि ड्राइवर और गार्ड जो यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता ट्रेन का, वहाँ पर उनके रनिंग रूम साथ साथ ही बने हुए होते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो और मेरा ट्रेन जर्नी, रात वापसी होगी इंशाल्लाह 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस पर, यानी कि वापसी का सफ़र हमारा रात का होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ट्रेन जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिल सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ गए रनिंग रूम, और यहाँ इस वक्त शायद कोई भी नहीं है, स्टाफ तो हर वक्त अवेलेबल होता है। इस रूम में हम आराम करेंगे। कूलर हटा दिए? हाँ मैंने यहाँ कूलर हटा दिए हैं, नहीं बस ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा